आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लेकिन आपका सेल नहीं आ रहा है, आपका सेल आ भी रहा है लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो, आप लॉस ही खा रहे हो, आपने जितना पैसा एड्स में लगा रहे हो सारा पैसा वेस्ट जा रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। तो इस वीडियो में हम सारा चीज सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रॉफिट में बना सकते हो। आपको टेक्निकल स्किल्स आता है, आपको लैंडिंग पेज डिजाइनिंग आता है, आपको फेसबुक लॉन्च करने भी आता है, लेकिन आपका बेसिक चीज आपको नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम सारा चीज सीखेंगे कि कौन कौन सी बेसिक चीज है जिसपे हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट अच्छा खासा सेल हो और अच्छा खासा प्रॉफिट हम वहाँ से बना पाए। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ सीखेंगे कैसे आप 2 से 3 लाख रुपीज बना सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करके। आपको मैं एड्स लाइब्रेरी ओपन करके दिखाऊंगा कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और मैं 7 से 8 महीनों से कैसे मैं उससे प्रॉफिट बना रहा हूँ। आपको मैं स्पाई करना सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर का स्पाई करके प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि आपको स्पाई करने रियल में नहीं आता है। मैं आपको सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जब भी आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो तो उससे पहले आप बहुत ही ज्यादा रिसर्च करो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर के लैंडिंग पेज के बारे में कि वो अपना ऑफर कैसे बना रखा है प्रोडक्ट का। आपको ये सारा चीज मैटर करता है अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के टाइम, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा ऑफर बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको सोर्स कोड डालकर अपना लैंडिंग पेज कॉपी कर लेना है। अभी मैक्सिमम पीपल क्या कर रहे हैं कि भाई अपने कंप्यूटर का सेम टू सेम लैंडिंग पेज बनाकर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो भाई वैसे में सेल नहीं आएगा। आपको उससे बेटर ऑफर बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे में आप कॉम्पिटिशन करते रहोगे। आपको एक यूनिक सा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा और एक अच्छा सा ऑफर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने प्रोडक्ट कौन कौन से सेल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको यहाँ से स्पाई करना है या फिर अपने किसी कंप्यूटर का कैसे स्पाई करना है, ठीक है। तो एड्स लाइब्रेरी में चलते हैं और यहां पे मैं आपको अपना खुद का प्रोडक्ट दिखाता हूं कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा पेज का नेम है मिशन 1 सक्सेस, जिससे मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूं, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो ये वाला पेज है हमारा, अभी हमारा यहां पे 7 एड्स एक्टिव है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो 2 सेम प्रोडक्ट्स हमारा एक्टिव है 7 नवंबर 2023 से और यह है 6 नवंबर 2023 से। ऑलमोस्ट 4-5 महीने इसका चल रहा, लगातार ये एक्टिव है, लगातार मैं इसे प्रॉफिट बना रहा हूं, 4-5 महीने से एक्टिव है यहां पे, ठीक है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 5 अक्टूबर 2023 से एक्टिव है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। और 5 अक्टूबर 2023 से, यानी कि ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ से ये हमारा प्रॉफिट बना के दे रहा है, ठीक है। तभी ये हम यहाँ पे ऐड रन कर रहे हैं इस पे, ठीक है। यहाँ पे हम जूम का सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो एक और प्रोडक्ट है हमारा ट्रेडिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, ट्रेडिंग का ईबुक है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा 25 सितंबर से चल रहा है, ये भी 6 मंथ प्लस से हमारा ये एड चल रहा है एक्टिव है और यहाँ से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ अच्छा खासा, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे 5 मंथ्स प्लस से चल रहे हैं प्रोडक्ट और ये अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज आपको ऐसा कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाते रहो, ये नहीं कि आप 2-3 दिन पैसा बनाओ फिर वहाँ से आपका प्रोडक्ट डेड हो जाता है। तो आपको ऑप्टिमाइज करने नहीं आता, तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ सीख रहे होंगे, ठीक है। जब भी आप प्रोडक्ट के लिए कंप्यूटर फाइंड करते हो तो अपने कंप्यूटर को अच्छे से स्पाई करो कि भाई वो बंदा सेल क्या कर रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेता हूँ कोई सा भी, लेट्स सपोज हम इस वाले प्रोडक्ट का हम स्पाई करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि बंदा लैंडिंग पेज कैसा बना रखा है। तो आप यहाँ पे सारा चीज क्या करते हो, जब भी आप नॉर्मल स्पाई कैसे करते हो, आप आते हो अपना देखते हो भाई ये हमारा कंप्यूटर है अच्छा खासा इसको सेल हो रहा है, ये 5 से 6 महीने से प्रॉफिट बना रहा है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सा आप यहाँ पे आओगे, सेम टू सेम लैंडिंग पेज बनाना शुरू कर दोगे, सेम वीडियोस, सेम यहाँ पे जितने भी लैंडिंग पेज कॉपी है, सेम बोनस, सारा चीज आपका सेम रहेगा। भाई यूनिक आपका क्या है, आप यूनिक कुछ ऑफर बनाओगे तभी तो आपका सेल होगा। आपका यूनिकनेस कुछ नहीं है प्रोडक्ट्स में, आप बस कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। आप बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सेम टू सेम लैंडिंग पेज कॉपी पेस्ट मारते हैं, जैसे यहाँ से गए इंस्पेक्ट में और यहाँ से वो सोर्स कोड लेते हैं, सोर्स कोड कॉपी करके अपना लैंडिंग पेज बिल्डर पे पेस्ट कर देते हैं और अपना सिर्फ पेमेंट पेज चेंज कर देते हैं, बाकी सेम टू सेम लैंडिंग पेज वहाँ पे बन जाता है। तो भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको पूरा का पूरा कॉपी करना है, आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देना है कि भाई अगर उसका लैंडिंग पेज सेम है तो हम उसी को लैंडिंग पेज बना सकते हैं। आप स्पाई करो, आप उससे आइडिया लो कि हाँ भाई इसका हेडलाइन ऐसा है तो हम इसको और भी इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाओ, इसका अल्टरनेटिव और भी निकाल सकते हो कि भाई इसके हेडलाइन की जैसा हम और भी कैसे कैसे यूनिक हेडलाइन बना सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो और ये चीज़ आप हेडलाइन बना सकते हो। आप कुछ कुछ यहाँ पे कॉपी करो, वीडियो कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको सारा चीज़ कॉपी नहीं करना, आपको बस यूनिक आपके यहाँ से स्पाई करना है। कम से कम 5 से 10 लैंडिंग पेज देखना है कि भाई सारे के लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ से आपको खुद आइडिया मिल जाएगा कि आपके अपने लैंडिंग पेज में कैसे डिजाइन करना है और कैसे यूनिकनेस लाना है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब भी आओ, जब भी स्पाई करो तो ये चीज़ ध्यान में रखना, पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आपको बस स्पाई करने के लिए बस थोड़ा सा आइडिया लेना है और अपने लैंडिंग पेज के ऊपर सारा चीज ऑफर होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, अपने प्रोडक्ट्स का नेम वगैरह डाल रखा है कि क्या क्या आपको मिलने वाला है इसमें, हम वो चीज़ यहाँ पे डाल रखे हैं कि गेट फ्री बोनसेस वर्थ
8000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ बटन्स वगैरह लगा रखा है, यहाँ पे हमने कॉल टू एक्शन दे रखा है, और यहाँ पे हमने एक टाइमर लगा रखा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट बता दिए कि अगर आप एनिमेटेड वीडियो डालते हो अपने पेज पे तो आपको इस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। और देन हमने यहाँ पे कहाँ कहाँ अपलोड करना वो भी चीज डाल दिया हमने, ठीक है। वो प्रोडक्ट के हिसाब से अपना ऑफर बना सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप एक अच्छा सा बोनस दे सकते हो, जिसके वजह से कस्टमर को लगेगा कि भाई ये चीज़ मेरे को बहुत ही कम दाम में मिल रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। और नो ब्रेनर ऑफर होना चाहिए। नो ब्रेनर ऑफर होता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू उसको दिखता है कि भाई लाखों का वैल्यू है, लेकिन मुझे आज के ऑफर में सिर्फ हमें 299 या 399 में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको बेनिफिट देगा। तो आपको इस तरह के ऑफर बनाने हैं, आपको कॉपी किसी भी हाल में नहीं करना है। ये चीज़ अपने माइंड में याद से रख लो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई कॉपी पेस्ट मार दिया, देन वो लॉन्च कर देते हैं, देन सोचते हैं कि भाई मेरा तो सेल ही नहीं आ रहा। भाई क्यों सेल आएगा, आपका यूनिक क्यों है लैंडिंग पेज, आपको यूनिक करना ही पड़ेगा। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं फाइंड कर सकते हो तो आप यूनिक लैंडिंग पेज तो बना सकते हो, उसका एक अच्छा सा ऑफर तो बना सकते हो। अगर आप इस तरह से आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आप एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे काफी सारे प्रोडक्ट्स है, ये मेरे सिर्फ एक पेज का है। मैंने इस पेज से काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता था, लेकिन मैंने 3-4 महीने से इस प्रोडक्ट पे लॉन्च करना बंद कर दिया है, क्योंकि भाई मुझे पता है कि भाई हजारों लोगों को पता है मेरे पेज के बारे में, और यहाँ पे आके लोग एस्पाई करते हैं, जिसकी वजह से वो भी नहीं पैसा बना पाते, मैं भी नहीं बना पाता हूँ। क्यों नहीं बना पाते मैं बताता हूँ। देखो वो क्या करेंगे, कोई बंदा अगर लैंडिंग पेज स्पाई करता है या फिर प्रोडक्ट स्पाई करता है तो क्या करता है, पहले लैंडिंग पेज तो कॉपी कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, मैं यहाँ पे 199 का ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, डायरेक्ट 99 रुपीज़ डिस्काउंट दे देगा, यानी कि सिर्फ 99 में वो सेल करेगा प्रोडक्ट को। उसका भी सेम लैंडिंग पेज है, उसका भी सेम प्रोडक्ट है, हमारा भी सेम प्रोडक्ट है। अब फेसबुक क्या करेगा, जब भी फेसबुक एड्स लॉन्च होता है तो दोनों में कॉम्पिटिशन एक्टिव हो जाता है। लेट सपोज मैं ऑडियंस हूँ और मुझे ये एड दिख रहा है और एक और बंदे का एड दिख रहा है जो सिर्फ 99 में सेल कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसने ऑफर सही से नहीं बना रखा है, सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रखा है, लेकिन ऑफर सही नहीं है, जिसकी वजह से उसका भी सेल नहीं हो रहा है और हमारा थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज है, लेकिन हम ऑफर अच्छा सा बना रखे हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के माइंड में आ जाता है भाई 99 वाला खरीदूँ या फिर 199 वाला खरीदूँ, तो वो भाई कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसमें आपका भी सेल नहीं होगा, हमारा भी सेल नहीं होगा। इसके वजह से आपको प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखो, बस अपना उसमें यूनिकनेस या फिर थोड़ा क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर दो, थोड़ा सा अपना बोनसेस ऐड कर दो, एक अच्छा सा ऑफर बना के दे दो कस्टमर को, जिसके वजह से उसको लगे कि भाई ये वर्थ इट है, 199 हम पे करेंगे तो हमें भाई बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, जो भी उसको प्रॉब्लम है उसका वो बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप एड्स लॉन्च करो तो एक आपको सीक्रेट बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट कैसे प्रॉफिट बन सकता है डे वन से। तो जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, लेट्स सपोज आज रात में एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, ठीक, जब आपके 2-4 घंटे ऐड चलेंगे तो उस पर लाइक्स कमेंट्स आना शुरू हो जाएगा। जब भी लाइक्स कमेंट्स आते हैं तो वहाँ पे आप देखना कि अगर कोई बंदा स्कैम लिख दिया कि भाई ये बंदा स्कैमर है, ये प्रोडक्ट सही टाइम पे नहीं पहुंचाता है, सही टाइम पे नहीं डिलीवर करता है, इसका प्रोडक्ट फेक प्रोडक्ट है, ये बंदा जो प्रॉमिस किया वो हमें डिलीवर नहीं किया, अगर इस तरह के कमेंट आना शुरू हो गए तो फिर आपका प्रोडक्ट तो डेड हो गया डे वन से। भले वो बंदा आपसे प्रोडक्ट्स बाय किया हो या नहीं किया, वो बंदा अगर आपको कुछ गलत बोल दिया, गलत कमेंट कर दिया आपके एड्स के नीचे, देन आपका वो कैंपेन बर्बाद हो गया, वो कैंपेन बाई सेल होगा ही नहीं। अगर वो एड्स किसी सही ऑडियंस के पास जाएगा भी तो बंदा परचेज नहीं करेगा, क्योंकि सोचेगा कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये फ्रॉड है, ये इस तरह का है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई ऐसे कमेंट को आपको बिल्कुल डिलीट कर देना है। और आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, सिंपल सा देखो, जब भी आप एड लॉन्च करो तो वहाँ पे आपके एड्स का लिंक लो, अपने कस्टमर को शेयर करना शुरू कर दो, या फिर एड्स का लिंक लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, 4-5 दोस्तों को शेयर कर दो, उसको बोलो कि भाई इस पे अच्छे अच्छे कमेंट कर दे कि भाई ये प्रोडक्ट्स बहुत ही इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देते हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, इस तरह से आप बहुत सारे कमेंट उस पे कर दो, जिसके वजह से क्या होगा, जब भी वो ऐड किसी बंदे को दिखेगा तो वहाँ पे कमेंट उसको दिख जाएगा, हाईलाइट वहाँ पे हो जाता है, कमेंट वहाँ पे दिखेगा भाई अच्छे अच्छे कमेंट है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवर हो जाता है, मतलब बहुत सारे आप कमेंट वहाँ पे कर दो, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन है। प्रोडक्ट तो जेन्युइन है लेकिन सेल नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे लोग गलत कमेंट कर देते हैं। तो आप सही कमेंट कर रहे हो तो आपका डे वन से वहाँ पे क्या होगा कि लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट बहुत हाईलाइटेड होगा और आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छा खासा सेल होने वाला है। लेट्स सपोज 100 लोग वहाँ पे आपका ऐड देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट पड़ेंगे कि भाई ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, रिव्यू की वजह से वो बंदा 100 में से 10 लोग इजिली बाय कर लेंगे आपका प्रोडक्ट और वहाँ से आपका रॉयस जो है बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट पे करता हूँ टेस्टिंग। जब भी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो भाई मैं अपने दोस्तों को या फिर अपने कलीग्स को शेयर कर देता हूँ कि भाई उस पर कमेंट कर दो, और कमेंट होता है तो भाई उसके बाद हमारा सेल अच्छा खासा वहाँ पे आने लगता है। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो, ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। और हाँ, ये तो रह गई एड्स लॉन्च करने तक, उसके बाद आता है मेन गेम, आता है एड्स लॉन्च करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन। आपका कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आप फेसबुक एड्स लॉन्च करते हो तो उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो मैंने उसे पूरा ऑप्टिमाइजेशन सिखाया हुआ है कि कैसे आप अपने फेसबुक एड्स को ऑप्टिमाइज करके प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो आपका क्या क्या क्लियर हो गया कि जब भी आप कॉम्पिटिटर को
स्पाई करो तो उसका सारा चीज़ कॉपी नहीं करना है, आपको अपने उससे बेहतर लैंडिंग पेज बनाना है, उससे बेहतर ऑफर बनाना है, उससे बेहतर एक प्राइसिंग उस पर ऐड करना है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा सेल आएगा। ठीक है, देन आपका आता है उससे आप कमेंट करवा सकते हो अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड को, फैमिली को शेयर करके अच्छे अच्छे कमेंट करा दो अपने एड्स पे। पब्लिश होने के बाद जो एड्स का लिंक होता है उसका लिंक कॉपी करके अपने कलीग्स को, फ्रेंड को शेयर कर दो और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट करवा दो, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा वहाँ पे सेल इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ वहाँ पे रिव्यू अच्छा है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देन फेसबुक एड्स जब लॉन्च हो जाता है 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन के बाद आप उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दो कि भाई आपका सेल कहाँ से आ रहा है, कितने एज वाले आपका प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, किस लोकेशन से आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा जेंडर बाई कर रहा है, कौन सा प्लेसमेंट से ज्यादा सेल आ रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी से आ रहा है, इंस्टाग्राम फीड से आ रहा है या फिर फेसबुक फीड से आ रहा है, फेसबुक रील से आ रहा है, इंस्टाग्राम रील से आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो चीज आप एनालाइज करना शुरू कर दो और देन उसको लिखना शुरू कर दो। देन जब भी आप न्यू कैंपेन रन करोगे तो सारा जो एनालाइज आपने करा है वही चीज आप वहां से कॉपी पेस्ट वहां पे ऐड कर देना, जो भी जहां जहां से आपका सेल आ रहा है सिर्फ उसी को टारगेट करना है आपको नेक्स्ट कैंपेन में। देन आप देखना कि आपका प्रॉफिट कैसे नहीं बनता है। अगर आप इस तरह के लॉन्च करते हो आप क्या सोचते हो कि भाई जस्ट टेस्ट करो, भाई जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर दो वहाँ प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट आया तो ठीक, नहीं तो बंद कर देंगे। भाई ऐसे नहीं होता है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको एक ही प्रोडक्ट से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ट्राई एंड टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद आप एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनालाइज करना हमने लास्ट वीडियो में बताया है, उस वीडियो में हमने सारा चीज कवर किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना जाकर, ताकि आपको फेसबुक एड्स का सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि भाई कैसे हमने उसमें एनालाइज करना सिखाया हुआ है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो और देन आप अपने खुद के लिए प्रॉफिट बना सकते हो, अपने क्लाइंट को सर्विस देते हो तो उनके लिए प्रॉफिट बना सकते हो और आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और देन अब रही बात प्रोडक्ट की, भाई देखो प्रोडक्ट आप कौन से प्रोडक्ट आप सेल करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कौन कौन से मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, आप यहाँ पे देखोगे मेरे रील्स वाले सेल हो रहे हैं, 2000 एनिमेटेड रील्स बंडल करके कुछ है स्टोरीज वाला, वो हमारा सेल हो रहा है। ठीक है, और देन हमने यहाँ पे टूल्स बेच रहे हैं, जूम का सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, तो प्लीज अगर आप कोई टूल्स बेचते हो तो उसमें ज्यादा आपका बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे रील्स बंडल हो गए, ये सब हजारों लोग सेल कर रहे हैं, हजारों लोग जब सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग प्राइस कम कर देते हैं, कोई 49 में सेल कर रहा है, कोई 99 में सेल कर रहा है, कोई 199 में सेल कर रहा है, यानी कि प्राइस की ऐसी तैसी लोग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल्स में क्या होता है कि भाई उसमें प्राइस हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम जूम की बात करते हैं, जूम का मैं सब्सक्रिप्शन 15K में आराम से सेल करता हूँ 1 ईयर का। ठीक है, इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। तो आप भी इस तरह के टूल्स बेच सकते हो मार्केट में, भाई बहुत सारे टूल्स है, कैनवा का टूल्स है, AI सेंसे का अफिलिएट कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट में टूल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड टूल है, जहां से आप रिकरिंग बेस से पैसे बना सकते हो। आपने एक बार सेल कर दिया, एक बार अफिलिएट सेल कर दिया, अफिलिएट में भी आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे, जब भी वो बंदा रिन्यू कराएगा वहां भी अच्छा खासा पैसा आपको बन जाएगा, ये रिकरिंग बेस पे पैसा आपको आते रहेगा। ठीक है, तो आप अफिलिएट प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन, जिसके वजह से आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने लास्ट ईयर किसी को मैंने सेल किया था, वो बंदा अब रिन्यू कराएगा इस ईयर, तो उसके अभी हमें कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, लेट्स सपोज अभी बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, आप रिसर्च करोगे कि भाई कौन कौन से टूल मैं सेल कर सकता हूँ, कौन कौन से टूल का डिमांड है मार्केट में, तो वो चीज आप मार्केट में सेल करके पैसे भाई अच्छे खासे छाप सकते हो। ठीक है, और नीचे आप देखोगे ट्रेडिंग के रिलेटेड हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हमें यहाँ से ही पैसा बनता है। लेट्स सपोज हमारे ये प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं बना रहा है, क्या करेंगे, अपसेल मारेंगे। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट आपका बाई कर रहा है कोई कस्टमर, और आपका जो प्रोडक्ट है 199 का, और आपका जो कॉस्ट पर परचेज है 199 रुपीज है, यानी कि पूरा ब्रेक इवन पे हो आप, आपका ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपसेल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट कोई बंदा बाई करेगा, लेट्स सपोज कोई कस्टमर इसको बाई करता है, बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे देख लेता है कि भाई प्रोडक्ट सही है। ठीक है, और यहाँ पे उसने पेमेंट कर दिया और हमारा जो कॉस्ट पर परचेज है सेम ही आया, जितना का हमारा प्रोडक्ट प्राइस है उतना ही हमारा कॉस्ट पर परचेज आया। तो अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट बनाने के लिए, हम यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देंगे, जैसे उसने पेमेंट किया उसको रीडायरेक्ट कर देंगे 499 या फिर 799 रुपीज़ का प्रोडक्ट पे, वो कुछ भी हो सकता है, इसके रिलेटेड ही हमने प्रोडक्ट बना रखा है, इसके रिलेटेड हमारे पास कोर्स है, तो हम उसको कोर्स हम बेच दिए इंस्टेंटली। वहाँ पे हमने लैंडिंग पेज बना दिया जहाँ पे हमने सारा चीज बता दिया कि भाई आप कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हो, इसके रिलेटेड हमने एक कोर्स बना दिया और उसको हमने अपसेल पे लगा दिया। जैसे यहाँ से पेमेंट किया रीडायरेक्ट हो गया दूसरे वाले लैंडिंग पेज पे जहाँ पे हम कोर्स सेल कर रहे हैं। यहाँ से लेट सपोज हमारा 100 सेल आता है, ये हमारा ट्रेडिंग का ईबुक है, सिर्फ 100 लोग बाई करते हैं, अगर हमारा 10% लोग ही हमारा वो प्रोडक्ट्स बाई कर लेंगे 499 वाला प्रोडक्ट, तो वहाँ से हमारा आराम से 5000 रुपीज अलग से प्रॉफिट बन जाएगा इंस्टेंटली। तो आप इस तरह से अपसेल कर सकते हो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, लेट सपोज इसलिए मैं बोलता हूँ अपसेल भाई बहुत ही जरूरी है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में, इवन हर एक कंपनी वाले अपसेल करते हैं, अपसेल से वो पैसा बनाते हैं, फ्रंट एंड से वो पैसा नहीं बनाते। किसी भी प्रोडक्ट्स को आप ले लो, फ्रंट एंड में कभी कभी आप प्रॉफिट बना लेते हो अच्छे खासे, लेकिन आपको हमेशा अपसेल डाउनसेल करना ही पड़ेगा अच्छे खासे प्रॉफिट बनाने के लिए। ठीक है, अब 2-3 अपसेल लगा दो जिसकी वजह से आपका भाई कुछ ना कुछ कन्वर्जन होते रहेगा वहाँ से, और अच्छा खासा आप वहाँ से प्रॉफिट बना ले जाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई हर एक प्रोडक्ट्स में अपसेल होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है,
प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रंट एंड प्रोडक्ट सेल करते हैं बस खत्म। और जब आपका यहाँ से प्रोडक्ट सेल हो जाए, प्रोडक्ट सेल होने के बाद आप अपना कम्युनिटी बना दो, टेलीग्राम कम्युनिटी बना दो, व्हाट्सअप कम्युनिटी बना दो, फेसबुक कम्युनिटी बना दो, जहां पे वो रिडायरेक्ट होकर वहां पे जुड़ते रहेंगे। आप अगर कोई सा प्रोडक्ट मेरे से बाय करे होंगे, लाइक लेट्स सपोज आपने ट्रेडिंग का ईबुक बाय करे होंगे, तो मेरे हर एक ईबुक में वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मेरा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होता है, लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाते हैं। जहाँ पे मैं अपसेल करता हूँ, अपसेल क्या करता हूँ, जिस रिलेटेड जिन्होंने प्रोडक्ट्स बाय किया हुआ है उसी के रिलेटेड मैं कुछ अपसेल करता हूँ, वो भी हाई टिकट में 5,000 to 10,000 के प्रोडक्ट में सेल करता हूँ, ठीक है। यहाँ तो हमने 199 का हमने सेल किया, फिर हमने अपसेल कर दिया रिडायरेक्ट करके 499 का या फिर 599 का हमने प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। दिन जब वो ग्रुप में आ जाते हैं, उनको हम फ्री में नॉलेज देते हैं, या फिर हम उनको फ्री में नॉलेज दे देते हैं, या फिर हम किसी ऐसे बंदे को बुला लेते हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, हम उसको लीड दे देते हैं कि भाई इसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा आपका सेल होगा तो उसका हमें कमीशन चाहिए। तो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कोर्स सेल करते हैं, जिनका टूल है खुद का, तो उनसे आप पार्टनरशिप कर सकते हो, उसमें आप कमीशन ले सकते हो कि अगर मैं आपका ये प्रोडक्ट सेल करता हूं तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा। वो आराम से 50-50 मान जाएंगे, कभी कभी आपको 70% तक आपको प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से टाई अप करना पड़ेगा प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिंग का। लेट्स सपोज अगर इसमें मुझे अपसेल करना हो तो मुझे क्या करना है, तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ मैं रील्स बंडल सेल करता हूँ। रील्स बंडल में क्या करता हूँ अपसेल में, मैं यहाँ पे मेरे पास एक थीम पेज का कोर्स है, मैं थीम पेज का कोर्स ऑफर कर देता हूँ इसके बाद कि जैसे ही उन्होंने बाय किया, मैं यहाँ पे थीम पेज का कोर्स अपसेल में लगा देता हूँ 499 का, ठीक है। मैं 299 में भी सेल करता हूँ, 499 में भी इंस्टाग्राम मास्टरी का हमने कोर्स वहाँ पे सेल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 घंटे का हमने वीडियो बना दिया कोर्स और वहाँ पे हमने अपसेल लगा दिया। सिंपल सा लॉजिक है, जो बंदा रील्स बाय कर रहा है उसको भाई सोशल मीडिया पे तो डालने के लिए बाय कर रहा है, अब उसको सोशल मीडिया ग्रो भी तो कर रहा है, उसको कंटेंट मिल गया, अब हम उसको बोलेंगे कि आपको पास तो कंटेंट आ गया लेकिन आप कैसे इसको ग्रो कर पाओगे, आपको तो आइडिया नहीं कैसे ग्रो किया जाता है इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको इस कोर्स में सारा चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कर सकते हो विद इन अ मंथ। और हमने 2-3 घंटे का हमने कोर्स बना दिया और यहाँ पे हमने अपसेल कर दिया 499 रुपीज़ में, तो वहाँ पे हमारा एक अलग से एक्स्ट्रा पैसा एडिशनली पैसा बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट बनाने के लिए अपसेल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अपसेल आज से स्टार्ट कर दो, कोई भी प्रोडक्ट सेल करो उसका अपसेल रिसर्च करो कि भाई इसका अपसेल क्या हो सकता है, इसका हम डाउनसेल प्रोडक्ट कौन सा फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड करने के बाद अपना लैंडिंग पेज बनाओ और अपसेल करना शुरू कर दो। सारे प्रोडक्ट्स को इंटरकनेक्ट कर दो, सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप खुद का यूनिक प्रोडक्ट कोई बना देते हो तो देन आपका वहाँ से प्रोडक्ट अच्छा खासा प्रॉफिट बिजनेस बना सकते हो आप वहाँ से, ठीक है। लेट्स सपोज आपने कोई टूल बना दिया, किसी डेवलपर से मिलकर आपने कोई टूल बना दिया या फिर कोई सॉफ्टवेयर बना दिया। लेट्स सपोज आपने ये सब नहीं बना रहे हो, आप इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हो, इतना सॉफ्टवेयर में या फिर किसी टूल्स बिजनेस में नहीं जाना चाहते हो, तो आप क्या करो, सिंपल सा आप अपना कोर्स बना दो। कोर्स एक यूनिक प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होगा, कोई ना कोई नॉलेज होगा, कोई ना कोई भाई स्किल्स होता है हर इंसान के अंदर, नहीं है तो आप सीख लो कहीं से भाई, कोई सा भी स्किल सीख लो। बहुत सारे मार्केट में भरे हैं, भरे पड़े हैं स्किल्स, आप कोई सा भी स्किल सीखो और उस स्किल्स के बेस पे अपना एक कोर्स बना दो। लो टिकट बनाओ, हाई टिकट बनाओ, डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू कि आप कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, और देन आप उस यूनिक प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेकर लॉन्च करो, देन आप देखोगे आपको वहाँ से कितना प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर हमने अच्छे खासे कोर्स सेल करके हमने पैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। हमने डिजिटल प्रोडक्ट तो सेल करके पैसे बनाते ही बनाते हैं और हम कोर्स सेल करके भी हम पैसे बनाते हैं। मैं 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखा हूँ। फर्स्ट हमने लॉन्च किया था थीम पेज ग्रो करने का, हमने एक इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स निकाला था जो बहुत ही लो टिकट में हमने सेल करना शुरू किया था, 399 में हमने लॉन्च करा था लास्ट ईयर। हमने वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, उसको हमने ऑटोमेशन पे डाल दिया और उसके साथ साथ हम बहुत ही बेनिफिट दे दिए। उसके साथ साथ हमने रील्स बंडल, जितने भी रील्स बंडल हमने सब एज अ बोनस हम उनको दे दिए, उनको नो ब्रेनर ऑफर लगा और वो कोर्स हमारा अच्छा खासा सेल हुआ था। हमने लास्ट ईयर हमने उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था ऑटोमेशन के ऊपर, ठीक है। सिर्फ 299 का हमने वो प्रोडक्ट सेल किया था, वो पूरा यूनिक था, कोई रीसेल नहीं कर सकता था मेरा प्रोडक्ट। जब तक मैं उसको राइट्स नहीं दूँ तब तक वो बंदा प्रोडक्ट हमारा सेल नहीं कर सकता है। और इस सब प्रोडक्ट्स में क्या होता है, टेम्पलेट बिजनेस में या फिर रील्स बंडल में, एक कोई भी सेल कर देता है आपका प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट्स बनवाया होगा किसी से, लेकिन ये बंदा ये प्रोडक्ट्स कोई भी सेल कर सकता है, हजारों लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खुद का कोर्स होता है देन भाई उसमें आपका कोई कोर्स सेल नहीं करेगा, आपका कोर्स है तो सिर्फ आप ही सेल कर सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम पीपल भाई डरते हैं किसी और का कोर्स सेल करने के लिए, तो आपका कोर्स कोई भी नहीं सेल करेगा। तो आप यूनिक प्रोडक्ट बनाओ, कोई सा भी स्किल्स के ऊपर कोर्स बना दो, क्योंकि मार्केट में भाई देखो हर इंसान को सीखना है। अभी नेक्स्ट 10 ईयर भाई अभी एडटेक बिजनेस बहुत ही बूम होने वाला है, तो अभी सही टाइम है, आप कोर्स बिजनेस में भी इंटर हो सकते हो अगर आपके पास कोई सा भी स्किल्स है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर आप टीचर्स देख रहे हो, कोई सा भी अगर आपको सब्जेक्ट आता है, लेट्स सपोज आपको इंग्लिश आता है, मैथ आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट आता है, या फिर आप कोई स्किल में आते हो लाइक एडिटिंग आता है आपको, वेबसाइट डिजाइनिंग आता है, कैनवा डिजाइनिंग आता है, कैनवा टेम्पलेट में कैसे आप डिजाइन कर सकते हो, थंबनेल वगैरह थंबनेल डिजाइनिंग आता है, तो ये सब का बहुत ही रिक्वायरमेंट है मार्केट में। इसके ऊपर आप सर्विस दे सकते हो या फिर अपना खुद का कोर्स लॉन्च कर दो।
बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके हैं मार्केट में, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई सा भी स्किल्स है। कोर्स बिजनेस भाई बहुत ही स्ट्रेटजी है, कोर्स में आप बहुत ही अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। बहुत सारे आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता है बिजनेस को, आपका बिजनेस बहुत ही सिंपल रहता है कोर्स बिजनेस में। लैंडिंग पेज, चेकआउट पेज, सेल और देन आप अपसेल कर सकते हो, देन आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो इसमें। भाई मैं लास्ट ईयर से मैं भाई 2 से 3 घंटा ही वर्क करता हूँ इस बिजनेस में, या फिर मुझे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना हो या फिर कोर्स सेल करना हो, भाई दोनों सेम ही है। डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं कोर्स बिजनेस, ठीक है, क्योंकि कोर्स भी एक डिजिटल फॉर्म में, आपने एक बार बना दिया उसको आप सेल कर रहे हो हजारों बार, ठीक है, और वो आपका यूनिक प्रोडक्ट है। आपको बार बार किसी और का प्रोडक्ट रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ता, आपके पास एक प्रोडक्ट रेडी हो गया, देन आप उसी को नए नए तरीके से आप सेल करते हो मार्केट में, ठीक है, मार्केटिंग करते हो। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट जो लो टिकट वाले होते हैं, डील्स बंडल हो गया, टेम्पलेट हो गया, इसमें क्या होगा अगर आपका प्रोडक्ट डेड हो गया, देन आपको फाइंड करना है न्यू प्रोडक्ट्स फाइंड करो, फिर वहाँ से आपका दिमाग और लगेगा कि भाई और कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। आप बहुत सारे रिसर्च करते हो, देन जब तक आप रिसर्च करके लॉन्च करते हो तब तक वो प्रोडक्ट डेड हो जाता है, समझ रहे हो। जैसे आप AI रील्स बंडल का एग्जांपल ले सकते हो कि AI रील्स बंडल हमने अच्छे खासे उससे पैसे बनाए, जो लोग सही टाइम पर लॉन्च नहीं करा, जो लोग लेट स्टेज में इंटर हुए, AI रील्स बंडल सेल करने की कोशिश किया, उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा सेल हुआ और देन उसका प्रोडक्ट डेड होना शुरू हो गया, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट से डेड हो जाता है एक टाइम पे। तो अगर आप यूनिक प्रोडक्ट सेल करते हो जिसमें आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है, आपका कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू है, देन हर कोई बंदा चाहेगा आपसे सीखने के लिए। आप कहेंगे लोग कि भाई कोर्स बिजनेस बहुत ही सही नहीं है, तो भाई क्यों सही नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं यार जो पैसे बना रहे हैं, लोग इसको गलत तरीके से देखते हैं, कोर्स बिजनेस को गलत तरीके से देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई स्किल्स है, हम उसके लिए किसी से चार्ज कर रहे हैं, अगर उस बंदे का हम 2 से 3 साल हम बचा रहे हैं, 5 साल बचा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस हम उसको सारा स्किल्स दे रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, तो भाई उसमें उसका फायदा है, स्टूडेंट का फायदा है कि भाई उसने किसी से पेड कोर्स लिया और वहां से उसने सीख के अपना इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया डायरेक्ट। जैसे कि लेट सपोज आप किसी टीचर से सीखते हो, इंग्लिश सीखने जाते हो ऑफलाइन इंग्लिश सीखते हो, तो वहाँ पे भाई आपको एवरी मंथ पे करना होता है, 1 ईयर तक आप पे करते हो 500-1000 रुपीज़ पर मंथ का जो भी कोर्स होता है ऑफलाइन में, तो वहाँ पे आप इजीली पे कर देते हो। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, स्कैम हो गया ये चीज़ कि भाई ऑनलाइन कोई बंदा इंग्लिश का कोर्स भेज रहा है तो भाई स्कैम है, तो भाई ऐसा नहीं है, आप कोई से भी कोर्स सेल कर सकते हो, इंग्लिश का हो गया, मैथ का कोई बंदा सेल कर रहा है तो वो स्कैम नहीं है कि भाई, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, मैथ हमारा सब्जेक्ट है। अब मैथ तो आपको सीख लोगे अपने मार्क्स लेने के लिए, अपने ट्वेल्थ अपना जो भी डिग्री लेना होता है उसमें आपको नीड होता है, तो वो स्कैम नहीं है। लेकिन आपका जो रियल पैसा बनता है, जो स्किल होता है, मेन स्किल, एडिटिंग का स्किल, थंबनेल डिजाइनिंग का स्किल, अगर ये बंदा कोर्स बनाकर आपको दे रहा है कि भाई आप ये कोर्स लो, इसमें हम आपको सिखाया हुआ है कैसे आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, कैसे आप लैंडिंग पेज डिजाइन करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे आप ऑटोमेशन सीख सकते हो, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हो, अगर ये आपको कोई बंदा सिखा रहा है तो आप कहते हो कि भाई ये गलत है, ये कोर्स मत लो, स्कैम है, वो है, स्कैम क्या है। अगर कोई बंदा अपना स्किल आपको शेयर कर रहा है, भाई इसमें आपका फायदा है ना, अगर मैंने आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग का कोर्स आपको मैं दे रहा हूँ कि भाई मैं इसमें आपको सारा चीज़ सिखाऊंगा, कैसे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करके आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, 1 क्लिक पे आप लाखों लोगों को मैसेज भेज सकते हो, कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो सारा अपने बिजनेस को, कैसे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, अगर मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ इसके लिए मैं आपको 5000 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ और आप भी आराम से दे रहे हो, लेकिन तीसरा बंदा बोल रहा है भाई स्कैम है, तू स्कैम में फंस गया, भाई वो बंदा स्किल सीखने के लिए पैसा पे किया है भाई, तो आपके पास भी कोई स्किल्स है तो आप ये मत सोचो कि भाई गलत बिजनेस है, भाई आप सही ट्रैक पे हो, ठीक है, आपका माइंड सही ट्रैक पे, जो लोग बोलते हैं बोलने दो, क्योंकि आप अपना स्किल्स का चार्ज तो करोगे, फ्री का वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई देखो फ्री में हजारों यूट्यूब पे वीडियोज है लेकिन वहां से लोग देख रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं, और पेड कोर्स का एक बेनिफिट होता है कि भाई उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता है कि भाई बंदे ने कोर्स वहाँ पे दिया, कोई भी क्वेश्चन होता है पूछ लेता है वो बंदा स्टार्ट कर लेता है। और YouTube पे क्या होता है, YouTube पे भाई कौन से कोर्स अवेलेबल नहीं है बताओ, हर एक कोर्स अवेलेबल है, Facebook का, Instagram का, वेबसाइट डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, एडिटिंग, हर एक चीज़ का कोर्सेज है YouTube पे। क्या लोग वहाँ से सीख रहे हैं लेकिन उतना इफेक्टिव तरीके से वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। और पेड कोर्स का ये बेनिफिट होता है कि भाई बंदे ने पे किया हुआ है तो भाई तुरंत उतने स्किल सीख लेता है, किसी भी चीज़ का स्किल सीख लेता है। भाई मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आता था, मैं YouTube पे बहुत सारा देखा, इग्नोर करता था, लेकिन हमने जब कोर्स लिया तो भाई मैंने पे किया तो मुझे दर्द है कि भाई मैंने पे किया हुआ है, मुझे सीखता है किसी भी हाल में, तो वो चीज़ सीख लिया मैंने, वेबसाइट डिजाइनिंग हमने सीख लिया पेड कोर्स में इनरोल करके, क्योंकि वहाँ भी भाई मुझे सारा चीज़ स्ट्रक्चर पता चल गया, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई सा भी स्किल्स है तो प्लीज़ लॉन्च योर कोर्स गाइज, तभी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। कोई सा भी स्किल्स है, मैटर नहीं करता आप किसी भी, कोई सा भी स्किल्स आपके पास है या फिर नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को फाइंड करो जो उनके पास स्किल्स हो, तो आप उनकी स्किल्स पे आप उनका कोर्स बनाने में मदद कर सकते हो। कैसे मदद कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो इसके ऊपर मैं एक वेबिनार भी करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको 2 घंटे में सारा चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ की नीड होता है, कैसे कैसे आप कोर्स को सेल कर सकते हो, कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होता है, ऑटोमेट कैसे किया जाता है अपने कोर्स बिजनेस को,
ठीक है, कैसे आप वेबिनार कर सकते हो, कैसे लैंडिंग पेज पे प्रोडक्ट लिस्ट करके VSL कैसे बनाते हैं, सारा चीज मैं आपको इस 2 घंटे में सिखाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है कोर्स सेल करने के लिए। ठीक है, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा इस 2 घंटे के क्लास में। तो एवरी संडे हमारा क्लास होता है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, मेरे फ्री मास्टर क्लास में, जहां पे आपको मैं फ्री में 2 घंटे क्लास दूंगा, जहां पे मैं आपको सारा चीज मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कैसे आप अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई स्किल्स ही नहीं है तो आप कैसे किसी और के स्किल्स को यूज करके आप पैसे बना सकते हो। मैं ये भी चीज बताऊंगा कि कैसे, लेट सपोज आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप किसी स्किल्स पर्सन को फाइंड करके आप उनका कोर्स बनवा सकते हो और उनसे आप 50 से 60 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हो। ये मैं आपको सारा चीज ब्रीफ में बताने वाला हूँ 2 घंटे के क्लास में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप रजिस्टर कर लेना। ये फ्री मास्टर क्लास होने वाला है, इसमें मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि कैसे कैसे कोर्स लॉन्च करे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप प्लीज लॉन्च करो अपना कोर्स, अपना कोचिंग स्टार्ट करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, डजंट मैटर। क्योंकि भाई स्किल से पैसा बनाना बहुत ही जरूरी है। आपने जो भी स्किल अक्वायर किया हुआ है वो स्किल सिखाना शुरू कर दो, नहीं तो उसका सर्विस देना शुरू कर दो। भाई स्किल्स मैंने सीख लिया वेबसाइट डिजाइनिंग का, अब इस स्किल्स को मैं अपने माइंड में रख रखा हूँ कि भाई इस स्किल मैंने सीख लिया, बस मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग आता है। भाई उससे पैसा भी तो बनाना है, कैसे बनाओगे? 2 तरीके, सर्विस दो, किसी ऐसे बंदे को फाइंड करो, जो ऐसे क्लाइंट को फाइंड करो जिनको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, आप उनको वेबसाइट बनाकर दे सकते हो, वहां से आपने पैसा बना लिया। या फिर आप किसी को सिखा सकते हो कि भाई आपको वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं आता, कोई गल नहीं, हम आपको सिखाएंगे वेबसाइट डिजाइनिंग, आप फ्री में भी क्लास ले सकते हो, देन आप पेड क्लास कर सकते हो, फ्री में आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा जिसकी वजह से आपको पता रहेगा कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, देन आप आराम से पेड क्लास लॉन्च करके पैसे छापो। भाई आराम से 2 से 3 लाख रुपीज बनाना कोर्स बिजनेस से बड़ी बात नहीं है। भाई मैं 2 से 3 घंटे ये काम करता हूँ एवरी सिंगल डे, ज़्यादा मैं टाइम काम नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं वर्क नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत ही कम काम करता हूँ, भाई मैं बहुत ही लेजी पर्सन हूँ। ठीक है, लेकिन मैं वर्क बहुत मैं फोकस के साथ वर्क करता हूँ 2 से 3 घंटे, और 2-3 घंटे इनफ है डिजिटल प्रोडक्ट्स रन करने के लिए। ठीक है, आप धीरे धीरे अपना टीम भी बिल्ड कर सकते हो। तब सो अगर आपको कोर्स लॉन्च करना है या फिर अपने क्लाइंट के लिए कोर्स लॉन्च करवाना है, तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ कि कैसे आप क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो अपना कोर्स लॉन्च करने में, जहाँ से आप अच्छा खासा पैसे बना सकते हो। फनल बिल्डिंग एक हाई पेइंग स्किल्स है, अगर आपको ये स्किल्स आता है तो आप महीने के लाखों रुपीज बना सकते हो गाइज, क्योंकि एक एक फनल से आप 50K चार्ज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने क्लाइंट से चार्ज करता हूँ अच्छे खासे अमाउंट, तो आप ये स्किल्स अगर आपके पास आ जाता है तो आप फनल बिल्डिंग का लाखों रुपये चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ये मत सोचो कि मुझे कोर्स ही बनाना है, अगर आपके पास कोर्स का स्किल्स है, अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो आप कोर्स बना सकते हो, नहीं तो आप ये स्किल सीख लो जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर आपको काम आएगा कि आपको किसी को भी मदद कर सकते हो इसमें, और उसके लिए आप पेड अमाउंट चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे कोर्स लॉन्च करा जाता है। ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ उसमें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं था, बट हाँ ये इस वीडियो हमने बहुत ही बेसिक चीज़ को हमने आपको बताया है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस में बहुत ही ग्रोथ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको वीडियो से नहीं समझ में आया कुछ, तो प्लीज़ इसको रिमाइंड करके देखो, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार देख लो, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने में क्या क्या चीज़ की नीड होती है, वो भी बेसिक चीज़ की, जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं बन पाता है। वो चीज़ अगर आप सीख लेते हो, वो चीज़ आपको ऑप्टिमाइज करने आ जाता है, देन यू विल मेक लैक्स ऑफ रुपीज गाइस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना आप क्या चीज़ सीखे इससे। अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट से वीडियो चाहिए, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जिसके वजह से मैं आपका उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।